अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे और ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। इस दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। अच्छा जी, बाकी सबकी शॉपिंग तकरीबन तकरीबन कंप्लीट होने वाली है सबकी। हम भाइयों की रहती है, हमारे घर वालों की रहती है बस, बाकी जितने भी हैं ना सबकी तकरीबन तकरीबन अब सब ने अपनी कंप्लीट कर ली है शॉपिंग। हम रहते हैं भाई, और सबसे पहले जो कि जिसके बिना सबकी शॉपिंग अनकम्प्लीट होगी वो है भाई अब्बास। ठीक है भाई अब्बास, नहीं आज शॉपिंग करने जाना है, तो वो कह रहे थे कि भाई मैंने शॉपिंग करने जाना है। असल में हमारा प्रोग्राम तो नहीं था आज, लेकिन अम्मी जी ने कहा है कि भाई आपने अपने भाई को ले जाओ और साथ में शॉपिंग आप लोग करो, भाई तीनों चले जाओ। और उसके साथ साथ, क्योंकि फिर बाद में कलर वाले भाई ने भी आ जाना है, और इसके साथ साथ फिर हमने भी बिज़ी हो जाना है, और अभी मिस्त्री भी हो सकता है आ जाए, फिर से वॉशरूम बनाना है। सॉरी, वो वाटर पंप चला तो मैंने कहा यहाँ क्या हुआ, सांप तो नहीं, इस तरह की आवाज़ आई। अच्छा जी, तो बात कह रहे थे भाई अब्बास के कपड़े लेके देने की। मैं सबको कह रहा था कि शेरवानी लेते हैं, शेरवानी में दूल्हा अच्छा लगता है, डिसेंट लगता है, और पता चलता है कि दूल्हा है ये। लेकिन भैया बास के ससुराल वाले भी कहते हैं कि शेरवानी ना हो, कपड़े पहन के ऊपर जो दूसरी वास्कट पहनते हैं, मेरा ख्याल बोलते हैं उसे वास्कट बोलते हैं, ठीक है ना। भैया बास के ससुराल वाले भी कह रहे हैं कि शेरवानी ना हो, आप वाइट ड्रेस, वाइट कपड़े मतलब वो कर लें। तो अभी देखें, बाज़ार चलते हैं, वहाँ अम्मी जी से भी पूछते हैं। और असल में ना हमारे इधर लोग ज़्यादा पसंद करते हैं कि कपड़े पहन के आओ। अच्छा बेटा, तो मैं कह रहा था कि नहीं, आप थोड़ा सा बदलना चाहिए, लोग यहाँ पहनते हैं शेरवानियाँ, ये नहीं है कि नहीं पहनते, लेकिन हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है। मैंने कहा था कि आप शेरवानी ले लें, बेस्ट लगेगा, लेकिन भाभी महवेश को भी वो शेरवानी नहीं पसंद, और चाचू लोगों को भी नहीं पसंद, हमारे अपने घर वालों को भी नहीं पसंद, एक सवाई मेरे, बस एक मेरा वोट है, बस मैं कह रहा हूँ कि शेरवानी हो। बाकी सब कह रहे हैं कि नहीं जी शेरवानी ना हो, तो अभी मेरे ख्याल के मुताबिक उस तरफ वोट ज़्यादा है, मैं अकेला हूँ, मेरी सुननी किसी ने भी नहीं है। तो चलते हैं बाज़ार, वहाँ जाके देखते हैं जो भी बना इंशाल्लाह। बाकी अगर शेरवानी ना ली तो उसके लिए एक होती हैं और चीज़ें होती हैं, वो भी शेरवानी टाइप ही बन जाती हैं तकरीबन, तो वो सब चीज़ें लेंगे। और बाकी मेरा प्रोग्राम है कि खुद सा हो, बाकी जूते भी देखेंगे, अभी सारा कुछ देखेंगे, ठीक है, अभी वहाँ जाके ही सारा कुछ पता चलेगा। मौसम बहुत ज़बरदस्त बन चुका है, ठीक है, और इधर से मैंने साफ़ सफाइयाँ भी कर ली हैं, ठीक है, और ये थोड़े थोड़े से जो पत्ते नज़र आते हैं ये इन पे मैंने मिट्टी डाल देनी है, ये भी साफ़ हो जाएगी जगह इधर से सारी। वो उधर कुछ दरवाजे पड़े हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें पड़ी हैं, ईंटें पड़ी हैं, ये सारी चीज़ें उठा के रख देनी है मैंने। और कलर वाले भाई के साथ हमारा ये फ़ाइनल हुआ है, ठीक है, फ़ाइनल मैंने ही किया है, क्योंकि जब वो भाई आए थे तो मेरी अपनी सोच के मुताबिक मैंने कहा ये चीज़ें बेस्ट लगेंगी, ये काम करवा लें। भाई जवेद ने अपने कमरे ऑलरेडी कलर करवा ली हैं अंदर से, लेकिन बाहर से रहते थे तो उनका प्रोग्राम नहीं था, लेकिन मैंने कहा नहीं हम करवाएंगे भाई, ये तो नहीं हो सकता कि नहीं करवाने। तो अभी यहाँ से डिसाइड मतलब कि स्टार्ट होगा, इस जगह से, ये जो गैरेज है ना यहाँ से स्टार्ट होगा वॉशरूम तक। आगे जो है ना वो दीवारें नहीं करवानी, क्योंकि उनको अभी प्लास्टर नहीं हुआ और उनकी ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो बैक साइड पे चले जाते हैं, उनका कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये फ्रंट सारा होगा, ठीक है, और जो गेस्ट रूम है उस तरफ, दूसरी तरफ वो भी, उधर से भी होगा। तो लेकिन ये वाली चीज़ें अभी रहती हैं, तो इनका काम नहीं करना। यहाँ से सारा होगा, गेट भी होगा कलर, ठीक है, आप सब ने लाजमी बताना है कि गेट को कौन सा कलर किया जाए। तो यहाँ से लेके वहाँ तक मैं भाई आवाज़ से कह रहा था, ओए बेटा ना, यहाँ से कलर स्टार्ट करवाना है, और ये वाला गैरेज भी इधर से होगा, ठीक है, अंदर से भी होगा, यहाँ से सीढ़ियाँ भी, किचन भी, वॉशरूम भी, अंदर से इसकी छत भी होगी, और जो इस पे टीयर डाले हुए वो भी होगा, ये सारा मतलब कि
सारा होगा, कमरों जितने भी हैं उनकी छतें भी करवानी है, टीयर गार्डर भी करवाने हैं, टोटली काम जो है ना वो करवाने हैं। एक बात और मैं ये सोच रहा था, इस सीढ़ी को जो कलर करवाना है ना, ये जो स्टेप बने हुए हैं ना इनको भी करवाना है, तो मैं सोच रहा था इस पे इस तरह करवाया जाए कि बेहतर तो था कि इस पे पत्थर लग जाता, अभी पत्थर तो नहीं लगा, खैर इसी तरह रहने देंगे, अभी इतना टाइम नहीं है हमारे पास। इस जगह को वाइट कलर करवाया जाए, मतलब कि इस जगह को ये वाला वाइट और ऊपर जो है ना ब्लैक किया जाए, इसके ऊपर ब्लैक, नीचे वाइट, फिर वाइट और फिर ब्लैक, मतलब नहीं, इसके ऊपर ब्लैक हो, इस जगह को वाइट हो। भैया बस है, मैं यदि ना स्कीम बनाई है, और देखो ना इस जगह नु करावांगे वाइट, ठीक है, इस नु करावांगे ब्लैक, ठीक हो गया, इस तरह बनवानी है। तो बाकी जी ए करवानी है ना आ जगह, हाँ बार्डर ये नाल एक सीधा देना वा, शलोशन लगवा के बार्डर लगवाना वा, वो लगवाना 3 to 4 inches का, तो वह असं लगवावे ब्लैक, 3 inches का नहीं, जी मतलब वो एक पट्टी चौड़ी नहीं लगती होंगी जी पत्थर च लगती है, उस जितना वो ब्लैक का दवाना, ऑफ वाइट इधर होएगा ना दीवार वो ब्लैक सोहना लगेगा। नीचे फिर इस तरह करना वा, इतने ब्लैक आएगा जिथे पैर रखी दा उपर, ये जगह जी ऊंचाई है ना इन वाइट देना वा, देखियो कलर जबरदस्त लगता, तुम बस मेरी मनिया करो, मैं क्या फड़ के VIP घर बना देना। अच्छा जी, मैं सुबह सुबह उठा हूँ ना, मुँह धोने गया, मैंने सीढ़ी को देखा, मेरे माइंड में बैठे बैठाए आ गया ना ये स्कीम, कलर स्कीम जो है ना इसके बारे में, मैंने कहा यार ये बेस्ट रहेगा, इस जगह पे ब्लैक हो और इस जगह पे वाइट, तो ये बहुत कमाल का कॉम्बिनेशन बनेगा और बहुत ज़बरदस्त सीढ़ी लगेगी। अभी आप देखें इस पर टूट फूट है ना थोड़ी बहुत, वो हम लोग सारी सेट करवा लेंगे पहले ही, उसके बाद इंशाल्लाह स्टार्ट होगा। चाची घर से हम लोग निकल आए हैं, मैं पैदल जा रहा हूँ, भाई अब्बास के जो सबसे बड़ा मसला है कि कार पे नहीं जाना, मुझे उल्टियाँ आती हैं, ठीक है, मेरा दिल ख़राब होता है, ये सबसे बड़ा मसला है भाई अब्बास का, यही होता है जब भी कहीं जाना हो कार पे नहीं बाइक पे जाना है, तो एक तो ये होता है, एक दूसरा ये मसला बन जाता है कि कार पे बंदा चला जाए ना, सामान बंदे के पास ज़्यादा हो बंदा इजी रहता है, थोड़ा आ जाता है जल्दी और काम भी जल्दी हो जाते हैं, और बाइक पे जो भाई अब्बास जब चले जाते हैं ना ये बाज़ार में हर एक दुकान पे कभी कुछ लेने जाते हैं कभी कुछ, तो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। कल मेरे साथ गए कलर लेना था, 2 घंटे में हमने वापस आ जाना था, लेकिन पूरे 2 घंटे इन्होंने अपनी वो डिवाइस का कुछ करते रहे और पता नहीं किधर किधर जाते रहे, तो 2 से 3 घंटे लगा दिए। हमारी जब भी ये अड्डे पे जाते हैं जिधर भी जाते हैं हमारी यही इससे लड़ाई होती है कि जल्दी वापस आना घर। चलो जी चलो, दुकान पे आके बैठे हैं, भाई अब्बास भी लगे हुए हैं मोबाइल को, लेकिन भाई कह रहे हैं कि थोड़ा अभी हम बिज़ी हैं, थोड़ा सा 2 मिनट रुकें फिर आपको दिखाते हैं, तो कपड़े देखते हैं अभी, ठीक है। भाई अब्बास केड़ा केड़ा सूट देखना वा, बोस्की देखनी है, लट्ठे का वाइट देखना वा, काटन साटन का देखना वा, क्या डब्बे वाले जी डिजाइनिंग वाली वो देखनी, हाँ जी लेना एक दो है। भाई नसूला नहीं नहीं काटन साटन वो लगी पई है ना सामने वाली, वो चमक रही है वैसी नजर आ रही है, इतने मैं लेके गया इन्हों को, इन्हों को उधर माली एक कोई पीस सफेद पिया सी, ठीक हो गया, वाइट 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 दिखायो, हाँ जी चाबी इतने गिरी पई है, उधर पीछे एक रेंग था, ये काटन साटन है, ठीक है, पीले जे कलर था, काटन साटन भी देखने लगे हैं, यह दिंदा भाई असी इतो चाक के देती है भी आग, ये काटन साटन है,
भी आवाज़ देखो। अच्छा जी, मुझे अपने घर के लिए ये चीज़ पसंद है, इंशाल्लाह ये लगवाऊंगा। हाँ, तो ये बिच लवाया जे डिज़ाइन वाली, सादा ना लवाया जे, ठीक हो गया। जिद्दा का भी डिज़ाइन होवे ना, सही हो गया। मतलब बॉर्डर से डिज़ाइन जो हो जन, बॉर्डर नहीं, जिस तरह टाइल ही होवे, टाइल या जिस तरह आ नहीं, ठीक हो गया। पूरी दुनिया ने वेखना है, हुण भी जिहड़े चार यार दोस्त चार रिश्तेदार ने। अच्छा जी, कपड़े खरीद लिए भाई अब्बास ने, लट्ठे का लिया है, मुझे ये बेस्ट लग रहा था, ग्रेस का उसी भाई वास ने लट्ठी दा दवाया। नहीं मैं उन्हें क्या, मैं क्या भी, लेकिन ये थोड़ा सा पतला है। मैं उन्हें क्या, मैं क्या अगर खरीदना तो ऐ खरीद ला। अभी भाई बहुत बेस्ट है, मैं ये इन इन ऑफ वाइट आ रहे हैं ना, मैं क्या, नहीं नहीं भाई इन्हें कौन ऑफ वाइट कह रहा है, नहीं ऑफ वाइट नहीं है, ये भी नहीं ऑफ वाइट है, ठीक है ना, ये भी बेस्ट सी, ये भी बेस्ट सी, और ग्रेस वाला ये तो फिर बेस्ट है सी ना, लेकिन ये पतला वा माया लग के हो जाएगा बेस्ट। चलो असी लेना ही है जी, असी ले लेंगे। चलो ठीक है, तुसी तो ले ही बैठे हैं ना। शॉपिंग करके घर आ गए और भाई अब्बास ने लिया है लट्ठे का एक जोड़ा, एक कार्टन साटन का, वो आप उनकी वीडियो में देख सकते हैं। तो अब मैं तो बिल्कुल थक चुका हूँ, ठीक है, सारा दिन इनके साथ घूम घूम के बाजारों में। तो अब इसके साथ मुझे इजाज़त दें, आज की वीडियो का यहीं एंड करते हैं, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।